हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे इनपुट आउटपुट्स इन सी लैंग्वेज। आज हम गेट्स एंड पुट्स को समझेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता चुका कि कंसोल आईओ के लिए दो स्टैंडर्ड डिवाइस होते हैं, एक कीबोर्ड और एक मॉनिटर। कीबोर्ड एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर एक स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस होता है। यदि आप कोई दूसरा तरीका यूज नहीं करते हैं आउटपुट के लिए, तो बाय डिफॉल्ट एक सी प्रोग्राम मॉनिटर पर ही आउटपुट दिखाता है। लेकिन यदि आप चाहें तो किसी एक्सटर्नल डिवाइस पर भी आउटपुट शो कर सकते हैं। तो कंसोल यानी कीबोर्ड मॉनिटर, कीबोर्ड इनपुट के लिए, मॉनिटर आउटपुट के लिए काम में लेंगे। अभी हमने देखा कि कंसोल इनपुट आउटपुट को दो भागों में बांटा गया है, फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड आईओ फंक्शंस। तो अनफॉर्मेटेड का मतलब है कि जो भी हम इनपुट और आउटपुट कर रहे हैं उसका फॉर्मेट डिफाइन नहीं करना, इसलिए हमने इसको कहा अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट। और इसके लिए जो फंक्शंस काम में आएंगे वो कहलाएंगे अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। और जहां पर इनपुट आउटपुट का फॉर्मेट डिफाइन किया जाएगा वो कहलाएंगे फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। यह स्क्रीन पे दिखाया है अनफॉर्मेटेड कंसोल आईओ। तो सी लैंग्वेज में कुछ फंक्शंस सिर्फ एक करेक्टर पर काम करने के लिए बनाए गए हैं। इनका प्रयोग तब किया जाता है जब यूजर को कई ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को ऑप्ट करना होता है, जैसे कि मेनू ड्रिवन प्रोग्राम में होता है। बहुत सारी चॉइस दी गई है, उसमें से एक हमको चूज करना होता है। तो ये जो फंक्शंस है इनपुट आउटपुट फॉर ए सिंगल करेक्टर, यानी सिंगल करेक्टर का इनपुट होगा, सिंगल करेक्टर का ही आउटपुट डिस्प्ले होगा। तो उसके लिए जो सी में फंक्शन है वो है गेट सी एच, पुट सी एच, गेट सी एच ई, गेट केयर, पुट केयर आदि, जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इनमें से हम ये अध्ययन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, गेट सी एच, पुट सी एच, गेट सी एच ई। ई यहाँ पे इको को व्यक्त कर रहा है, इको यानी बिना आउटपुट के भी जो हमने इनपुट दिया है वो स्क्रीन पे दिखाई देगा, यानी इनपुट भी प्रदर्शित होगा। गेट सी एच, पुट सी एच, गेट सी एच ई, गेट केयर, पुट केयर। अब ये तो थे जो सिंगल करेक्टर को इनपुट करते हैं और सिंगल करेक्टर को आउटपुट के रूप में दिखाते हैं, जबकि सी लैंग्वेज में गेट्स एंड पुट्स ये दो ऐसे फंक्शन हैं जो कि एक से अधिक करेक्टर्स, अर्थात एक से अधिक करेक्टर मतलब स्ट्रिंग, अर्थात स्ट्रिंग पर काम करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। कौन कौन से दो फंक्शन? गेट्स एंड पुट्स, ये मोर देन वन करेक्टर पर काम करेंगे। मोर देन वन करेक्टर मतलब एक से अधिक करेक्टर्स, अर्थात एक से अधिक करेक्टर को क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग, अर्थात स्ट्रिंग पर काम करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास सी लैंग्वेज में जो फंक्शन है वो है गेट्स और पुट्स फॉर इनपुट आउटपुट ऑफ ए सिक्वेंस ऑफ करेक्टर कॉल्ड स्ट्रिंग। किसके लिए इनपुट आउटपुट? किसके लिए? सिक्वेंस ऑफ करेक्टर, अर्थात स्ट्रिंग के इनपुट और आउटपुट के लिए हम जो काम में लेंगे वो है गेट्स एंड पुट्स। गेट्स फंक्शन इन सी लैंग्वेज, इस फंक्शन में पैरेंथेसिस के अंदर हमें उस एरे का नाम देना होता है जिसमें हम स्ट्रिंग को स्टोर करना चाहते हैं। अर्थात गेट्स के आगे जो पैरेंथेसिस है उसमें जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या होगा? नेम ऑफ द एरे। और कौन से एरे का नाम? उस एरे का नाम जिसमें हम स्ट्रिंग को स्टोर करना चाहते हैं। अब निश्चित रूप से वो एरे का डेटा टाइप क्या होगा? करेक्टर टाइप का होगा। तो इस फंक्शन में कोष्टक के अंदर हमें उस एरे का नाम देना होता है जिसमें हम स्ट्रिंग को स्टोर करना चाहते हैं। इस फंक्शन में किसी भी कंट्रोल स्ट्रिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। कंट्रोल स्ट्रिंग का मतलब है कि जैसे इंटीजर के लिए परसेंट डी, रियल के लिए परसेंट एफ, करेक्टर टाइप के लिए कंट्रोल स्ट्रिंग हम जो काम में लेते हैं वो है परसेंट सी। तो ये सब हम स्कैन एफ प्रिंट एफ में काम में लेते हैं कंट्रोल स्ट्रिंग। गेट्स एंड पुट्स में हमें कंट्रोल स्ट्रिंग का प्रयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये फंक्शन केवल कीबोर्ड से स्ट्रिंग प्राप्त करने का काम करता है और स्ट्रिंग हमेशा हमें अरे में स्टोर करनी है। गेट्स फंक्शन कीबोर्ड से स्ट्रिंग रीड करने के लिए यूज किया जाता है, अर्थात इनपुट कहाँ से लेगा? कीबोर्ड से। रीड की गई स्ट्रिंग को एक करेक्टर अरे में स्टोर किया जाता है, जैसा भी मैंने बताया कि गेट्स के आगे जो पैरेंथेसिस है उसमें नेम ऑफ द एरे लिखना है,
उस एरे का नाम लिखना है ब्रैकेट में कोष्टक में जिस एरे में हमें स्ट्रिंग स्टोर करवानी है, और उस एरे का डेटा टाइप हमें कैसा रखना है, करेक्टर टाइप का। तो गेट्स फंक्शन कीबोर्ड से स्ट्रिंग रीड करने के लिए यूज किया जाता है। रीड की गई स्ट्रिंग को एक करेक्टर एरे में स्टोर किया जाता है। ये फंक्शन आर्गुमेंट के रूप में करेक्टर एरे लेता है। गेट फंक्शन स्टैंडर्ड इनपुट कीबोर्ड से डेटा पढ़ता है जब तक कि एक नई पंक्ति नहीं पढ़ी जाती या फाइल के अंत की स्थिति नहीं आ जाती। यह स्टैंडर्ड इनपुट से अक्षरों को पढ़ता है तथा उन्हें वेरिएबल में तब तक पढ़ता है जब तक कि एक नई पंक्ति के अक्षर स्लैश जीरो तक नहीं पहुंच जाता। अब ये स्लैश जीरो क्या है? यहाँ पर स्लैश जीरो विशेष करेक्टर है जिसे हम नल करेक्टर भी कहते हैं। नल करेक्टर किसी भी स्ट्रिंग के अंत का संकेत देने के लिए कंपाइलर द्वारा स्ट्रिंग के अंत में स्वतः ही जोड़ दिया जाता है। यानी हम जो स्ट्रिंग इनपुट कर रहे हैं वो खत्म हो गई, इसका पता कैसे लगेगा कंपाइलर को? तो उसके अंत में क्या करता है, स्लैश जीरो जोड़ दिया जाता है। ये स्लैश जीरो हम नहीं जोड़ते, स्वतः जोड़ दिया जाता है ताकि पता रहे कंप्यूटर को, कंपाइलर को, कि स्ट्रिंग का समापन हो चुका है। तो ये स्लैश जीरो नल करेक्टर कहा जाता है। पुट्स फंक्शन इन सी, यह फंक्शन गेट्स फंक्शन का कंप्लीमेंट्री फंक्शन है। गेट्स फंक्शन यह स्कैनफ फंक्शन अर्थात जो इनपुट के लिए हम काम में ले रहे हैं, मोर देन वन करेक्टर्स के इनपुट के लिए अर्थात स्ट्रिंग के इनपुट के लिए हम गेट्स काम में ले रहे हैं या स्कैनफ भी काम में लेते हैं। तो गेट्स फंक्शन या स्कैनफ फंक्शन से प्राप्त मान को किसी आइडेंटिफायर में स्टोर किया जाता है। वह प्रक्रिया के पश्चात उस आइडेंटिफायर में स्टोर्ड मान को स्क्रीन पर पुट्स फंक्शन द्वारा अथवा प्रिंटफ फंक्शन द्वारा स्क्रीन पर प्रिंट किया जा सकता है। तो गेट्स फंक्शन में भी क्या है, ब्रैकेट लगा सामने, कोष्टक लगा, पैरेंथेसिस लगा। तो गेट्स फंक्शन में कोष्टक में हमें उस आइडेंटिफायर का नाम लिखना होता है जिसमें इनपुट किया जाने वाला मान स्टोर होना होता है, जबकि पुट्स फंक्शन में भी ब्रैकेट लगा, कोष्टक लगा, पैरेंथेसिस लगा। तो अब इसमें पैरेंथेसिस में क्या लिखा जाएगा? तो पुट्स फंक्शन में कोष्टक में उस आइडेंटिफायर का नाम लिखना होता है जिसमें स्टोर्ड स्ट्रिंग को स्क्रीन पर प्रिंट करना है। मतलब गेट्स पुट्स फंक्शन में हमें ये जो पैरेंथेसिस है इसमें उस एरे का, उस आइडेंटिफायर का नाम लिखना है जिसमें स्टोर हुई स्ट्रिंग को हमें आउटपुट डिवाइस पर डिस्प्ले करवाना है। उस एरे का, उस करेक्टर टाइप एरे का नाम, उस आइडेंटिफायर का नाम लिखना है जिसमें मौजूद स्ट्रिंग को हमें आउटपुट के रूप में मॉनिटर पर डिस्प्ले करवाना है, उसका नाम हमें यहाँ लिखना है। दूसरा हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, वो डबल कोट्स के अंदर वह मैसेज लिखा जाता है जिसे स्क्रीन पर प्रिंट करना होता है। हम डायरेक्टली यहाँ पर स्ट्रिंग कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट मतलब एक से अधिक स्ट्रिंग का समूह डबल कोटेशन में यदि लिख दिया जाए तो वो स्ट्रिंग कांस्टेंट बन जाता है। यानी एक से अधिक करेक्टर्स इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन, वो भी हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कोष्टक में। तो हम पुट्स के आगे जो पैरेंथेसिस है उसमें दो चीजें लिख सकते हैं, उस वेरिएबल का नाम जिसके अंदर मौजूद स्ट्रिंग को हमें डिस्प्ले करवाना है, अर्थात जिस वेरिएबल में स्ट्रिंग स्टोर है उस वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट भी हम यहाँ लिख सकते हैं, अर्थात स्ट्रिंग इन डबल कोट्स, वो भी हम यहाँ लिख सकते हैं। तो वो सीधा जो का जो आउटपुट के रूप में मॉनिटर पर डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरह से हम पुट्स फंक्शन को प्रिंट फंक्शन के स्थान पर मैसेज देने में प्रयोग कर सकते हैं और किसी आइडेंटिफायर में स्थित स्ट्रिंग को स्क्रीन पर प्रिंट भी करवा सकते हैं, दोनों कार्य करा सकते हैं। पुट्स फंक्शन की एक विशेषता यह भी है कि इस फंक्शन के उपयोग के समय हमें न्यू लाइन के लिए स्लैश एन करेक्टर कॉन्स्टेंट का प्रयोग नहीं करना पड़ता, बल्कि यह फंक्शन स्वयं न्यू लाइन में ही मैसेज को प्रिंट करता है। इस फंक्शन की कमी यह है कि इसके द्वारा मैसेज व किसी आइडेंटिफायर में स्थित स्ट्रिंग दोनों को एक साथ प्रिंट नहीं करवा सकते। यदि हमें मैसेज को प्रिंट करना तो पहले एक पुट्स फंक्शन द्वारा मैसेज को प्रिंट करना होगा, फिर दूसरे पुट्स फंक्शन द्वारा किसी आइडेंटिफायर में स्थित स्ट्रिंग को प्रिंट करना होगा। इस प्रकार दो बार इस फंक्शन को यूज करने की बजाय हम अक्सर ये काम प्रिंटफ फंक्शन द्वारा कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि पुट्स में हम ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, हम दो चीजें यहाँ पे लिख सकते हैं, या तो स्ट्रिंग कांस्टेंट डायरेक्टली यानी स्ट्रिंग इन
डबल कोट्स जिसको हम कह सकते हैं मैसेज, वो हम सीधा ही लिख सकते हैं यहाँ पर और उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, उस वेरिएबल का नाम जिसके अंदर स्ट्रिंग मौजूद है। लेकिन हम ये दोनों चीजें एक साथ नहीं लिख सकते, या तो हम पुट्स द्वारा केवल वेरिएबल का नाम लिखकर स्ट्रिंग को प्रिंट करवा सकते हैं, या फिर सीधा स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट लिखकर उस स्ट्रिंग को भी प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन दोनों चीज एक साथ नहीं काम में ले सकते, हमें दो अलग अलग पुट्स फंक्शन लिखने होंगे। जबकि प्रिंट एफ में ये सुविधा मौजूद है कि हम एक ही प्रिंट एफ द्वारा आइडेंटिफायर को भी लिख सकते हैं और उसके अंदर मौजूद स्ट्रिंग को प्रिंट करवा सकते हैं, साथ में हम मैसेज भी लिख सकते हैं, यानी एक ही प्रिंट एफ से दोनों चीज डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये इसकी कमी हो गई कि इस फंक्शन की कमी यह है कि इसके द्वारा हम मैसेज व किसी आइडेंटिफायर में स्थित स्ट्रिंग दोनों को एक साथ प्रिंट नहीं करवा सकते। यदि हमें मैसेज को प्रिंट करना है तो पहले एक पुट्स फंक्शन काम में लेंगे और फिर दूसरे पुट्स फंक्शन द्वारा किसी आइडेंटिफायर में स्थित स्ट्रिंग को प्रिंट करना होगा। जबकि प्रिंटफ में हम क्या कर सकते हैं, दोनों काम एक ही प्रिंटफ से करवा सकते हैं। पुट्स फंक्शन के माध्यम से एक स्ट्रिंग को स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाता है। इस फंक्शन में भी आर्गुमेंट के रूप में करेक्टर अरे पास किया जाता है। यह स्टैंडर्ड आउटपुट इकाई पर स्तर द्वारा बताए गए स्ट्रिंग को लिखता है तथा आउटपुट में एक नई पंक्ति के अक्षर स्लैश एन को सम्मिलित करता है। फंक्शन निर्धारित एड्रेस से कॉपी करना प्रारंभ करता है जब तक यह समाप्त करने वाले नल करेक्टर पर नहीं पहुंच जाता है। वह अंतिम नल अक्षर स्टैंडर्ड आउटपुट पर कॉपी नहीं होता है, अर्थात डिस्प्ले में स्ट्रिंग के संग जुड़ा हुआ स्लैश जीरो अर्थात नल करेक्टर दिखाई नहीं देगा। जब हम पुट्स द्वारा स्ट्रिंग को मॉनिटर पर डिस्प्ले करा रहे हैं तो स्ट्रिंग के संग जो एंड ऑफ द स्ट्रिंग व्यक्त करने वाला करेक्टर है स्लैश जीरो यानी नल करेक्टर, वो पुट्स द्वारा जब स्ट्रिंग डिस्प्ले हो रही है तो उस समय स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा। अर्थात अंतिम जो करेक्टर है नल करेक्टर, वो अक्षर स्टैंडर्ड आउटपुट पर कॉपी नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा गेट्स व पुट्स। गेट्स व पुट्स फंक्शन केवल स्ट्रिंग पर ही काम करते हैं। ओके, थैंक यू।